इंजीनियरिंग के बाद मैंने 6 महीना इंटेल कंपनी में जॉब की, इंटेल में जी हाँ, बट मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ आ गया था। देखिए बचपन से एक मोटिवेशन था क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में देखता था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनका काम देखता था, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे हर्ष गुप्ता, मैंने उनका काम देखा था कि उन्होंने अपने हमारे सिटी को पूरा सा रिवैम्प कर दिया था। ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन था, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में पूरे पेपर लिख सकते हैं। यहीं से हमारे यहाँ पे एक मेरे साथ में एक और एक दोस्त भी था जिसने पूरा का पूरा पेपर मराठी में लिखा था। लक्ष्मीकांत तो एक बेसिक बुक है GS2 के लिए, पॉलिटी पढ़ने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आते हैं, उनको रेफर किया था और वो बहुत ही अच्छे हैं। सो दोस्तों आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं हारिस, हारिस सुमेर। ही गॉट 270 रैंक इन दिस 2020 IAS UPSC एग्जामिनेशन। मैं इनसे इस कामयाबी के बारे में बात करूंगा, इनको ये कामयाबी कैसे मिली, स्ट्रेटजी और इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और ये जर्नी कब से शुरू हुई और आरसीए तक पहुंची और फाइनली ही गॉट दिस सक्सेस। सबसे पहले हारिस कॉन्ग्रेचुलेशन टू गेटिंग दिस एक्सलेंट परफॉर्मेंस इन UPSC, क्योंकि दिन ब दिन ये UPSC और भी टफ होता जा रहा है। और मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में मुख्तसर बताइए हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक्चुअली बीदर से आता हूँ जो कि कर्नाटका में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में एक सिटी है। अच्छा, बीदर। जी हाँ। और मेरी पूरी स्कूलिंग जो है 1st to 10th वहीं पर हुई है, केंद्रीय विद्यालय में। और फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में की बैंगलोर से, रामैया करके कॉलेज था वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग के बाद मैंने 6 महीना इंटेल कंपनी में जॉब की, इंटेल में जी हाँ, बट मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ आ गया था। तो फिर मैंने जॉब से रेजिग्नेशन दी और फिर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में मैं पिछले 2 साल से था। और पिछली अटेम्प्ट मेरी नहीं हो पाई थी, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था पिछले अटेम्प्ट में। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह तीनों स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज तीनों हो गए और इंशाल्लाह मैं IAS अभी ज्वाइन कर। हारिस बहुत बहुत मुबारक। ये बताइए कि एक बैग ये प्रोग्राम कैसे बना कि आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है? जी हाँ, देखिए बचपन से एक मोटिवेशन था क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में देखता था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनका काम देखता था, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे हर्ष गुप्ता, मैंने उनका काम देखा था कि उन्होंने अपने हमारे सिटी को पूरा सा रिवैम्प कर दिया था। अच्छा, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिल रही थी कि अगर ये इतना कर सकते हैं तो मैं अपनी विजन भी जो मैं एजुकेशन के या दूसरी चीज़ों में करना चाहता हूँ बड़े बन के कर सकता हूँ। तो ये मोटिवेशन था। और साथ ही साथ मेरे बड़े भाई का लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज में चयन हुआ था। ओह ग्रेट, तो उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन। तो वो कहाँ पे, आप बड़े भाई कहाँ पे? अभी इंडियन पुलिस सर्विस में है और उन्हें केरला कैडर मिला हुआ है। बहुत बढ़िया जी। तो ये तो बहुत ही मतलब एक आप में एक अंदर से थे कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना है और एक मोटिवेशन सर से मिल गया था जी, जिनके बारे में हमने जिक्र की, उसके बाद एक वो ट्रिगर पॉइंट था आपकी ज़िंदगी में, देन यू हैव डिसाइडेड कि आप सिविल सर्विसेज के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल। एजुकेशन में आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन किसी कंप्यूटर साइंस से की थी, उसके बाद आप कहाँ आए ग्रेजुएशन के बाद? जी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने 6 महीना जॉब भी की और फिर मैंने रेजिग्नेशन दे के फिर मैं दिल्ली आया, एक जगह थी हमदर्द स्टडी सर्कल, वहाँ से मैंने लास्ट ईयर अपना प्रीलिम्स दिया था बट वो नहीं हो पाया था प्रीलिम्स। फिर मैं इस साल के अटेम्प्ट जो थी जामिया मिलिया के रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से दिया। सो मतलब दिल्ली आप आए हमदर्द स्टडी सर्कल के बाद यहाँ पहुँच गए आरसी में और फाइनली ये कैमरा अटेम्प्ट था? ये सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा। सेकेंड ऑर्डर, पहले प्रीलिम्स आप नहीं निकाल पाए थे, लेकिन इस बार माशाल्लाह प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों, मतलब ऐसा क्या रहा, पिछले बार क्या कमियां रह गई थी जो आपने अपने मिस्टेक से सीखी और इस बार आपने उसको पूरी करके और माशाल्लाह यू गॉट दिस सक्सेस? पिछले बार मेरा प्रीलिम्स बस 2-3 मार्क्स से छूट गया था। अच्छा, तो बट काफ़ी वक्त मिल गया था प्रीलिम्स नहीं होने के बाद, क्योंकि मैं मेंस नहीं लिख सकता था लास्ट ईयर, तो वक्त मिल गया था। तो फिर मैंने क्या किया, सोचा कि इस बार की अटेम्प्ट अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मेंस एग्जामिनेशन का भी पढ़ाई अच्छे से कर ली थी। अच्छा, इवन बिफोर की प्रीलिम्स हो जाए उससे पहले ही मैंने मेंस के लिए तैयार था। बहुत बढ़िया। तो और यहाँ पे आरसीए में जो माहौल मिला, काफ़ी सारे सीनियर्स थे जो ऑलरेडी किसी सर्विसेज में सेलेक्टेड थे, IPS में, IRS में वगैरह, तो उनसे भी काफ़ी कुछ 1-to-1 सीखने मिला, तो यही भी एक कारण था जो सफलता के लिए कामयाब। सो यू आर डेफिनेटली गिविंग क्रेडिट टू RCA फॉर योर सक्सेस? जी, RCA का एक अहम रोल रहा है और मेरे फैमिली और मेरे भाई नदीम जो IPS में, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, बट RCA का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल रहा है सक्सेस में, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ाई के लिए, स्पेशली सिविल सर्विस की पढ़ाई के लिए बहुत कंड्यूसिव है।
ओके जी। सो आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे हारिस? जी मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन था और यही ऑप्शनल से मैंने अपना मेंस एग्जाम दिया। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज के हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं और वो अक्सर हमसे वीडियो कमेंट में पूछते हैं कि सर आप जब किसी के इंटरव्यू लेते हैं तो उनके लैंग्वेज बारे जरूर पूछा किया, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थी या फिर हिंदी? ऑब्वियसली आप साउथ से हैं तो जी मेरा क्योंकि माध्यम या मीडियम जो है इंग्लिश में ही मेरी पूरी पढ़ाई हुई थी तो मैंने इंग्लिश मीडियम में ही दिया। बट ऐसी बात नहीं है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में पूरे पेपर लिख सकते हैं। यहीं से हमारे यहाँ पे एक मेरे साथ में एक और एक दोस्त भी था जिसने पूरा का पूरा पेपर मराठी में लिखा था। अच्छा। और उसने इस बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच गया था, हालांकि उसका फाइनल इसमें नाम नहीं आया बट फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पूरा पेपर मराठी में लिख के इंटरव्यू तक पहुँच गया था। तो कोई भी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये सब बैरियर्स बस हम दिमाग में बना के रखते हैं कि रीजनल लैंग्वेज को करना मुश्किल है, बट वो भी एक आसान है। ये बहुत बड़ी बात हारिस ने कह दी है, हारिस सर ने, कि मतलब जिस लैंग्वेज में भी आपको पकड़ है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, गो अहेड विद दैट लैंग्वेजेस। और अगर आप में पोटेंशियल है और आप में कुछ करने की चाह है और आप लेबोरियस हैं तो आप, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर इट इज़ इंग्लिश और एनी हिंदी और एनी रीजनल लैंग्वेज, आप किसी में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि सर ने एक मराठी स्टूडेंट के बारे में बताया था। जी अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा, जैसे कि आपने बताया कि आपके भाई IPS हैं, उनका तो सपोर्ट रहा, इसके अलावा आपकी इस कामयाबी के लिए आप और किस किस को RC, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट RC, ऑब्वियसली RC, इसके अलावा और किन किन का हाथ था आपके? जी मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अक्सर होता है कि कई बार माँ बाप जो होते हैं तालीम पे तो फोकस देते हैं लेकिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द नौकरी अगर मिल गई है तो छोड़ पड़ी, मिली हुई नौकरी ना छोड़ें। तो मेरे पेरेंट्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी लीवे दिया, अलाउ किया कि मैं अपना ड्रीम परसू कर सकूँ। तो पेरेंट्स का हमेशा मोरल सपोर्ट रहा है और फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरी करंट अफेयर्स में या आंसर राइटिंग में मदद की। अच्छा। उनका नहीं हो पाया इस बार, लेकिन वो अगर वो मेरे साथ ना होते तो मेरा भी ना होता। ओहो। सो वैसे स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ है, आपको हिम्मत ना हारनी नहीं है और सर अपनी कामयाबी के लिए आपको भी क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि आपसे उन्होंने सीखा है। और ये खासियत है RCA की कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि आपको मजबूर कर देगा कि आप पढ़ें, आपको मजबूर कर देगा कि आपको किस डायरेक्शन में स्ट्रेटजिकली जानी है और जो आप सोच के आए हैं उसमें कामयाबी मिले, इसके लिए यहाँ पे एक माहौल बनाई जाती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा, जैसे आपने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस बताई थी, पॉलिटिकल साइंस ऑब्वियसली जब भी पॉलिटिकल साइंस के नाम ले तो लक्ष्मीकांत, जी हाँ लक्ष्मीकांत की, तो लक्ष्मीकांत साहब के नाम आता है, तो आप रेफर अगर करना चाहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस से हैं तो आपके हिसाब से कौन कौन सी बुक्स और एज ए मैगजीन रेफर करनी चाहिए उनको अलॉन्ग विद जनरल स्टडीज और ऑप्शन के लिए? लक्ष्मीकांत तो एक बेसिक बुक है GS2 के लिए, पॉलिटी पढ़ने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो GS2 पेपर के लिए और पॉलिटी जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पर जो ऑप्शनल होता है पॉलिटिकल साइंस उसके लिए कुछ दूसरे किताबों उनको रेफर करना पड़ता है, तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आते हैं उनको रेफ़र किया था और वो बहुत ही अच्छे हैं। ये कहाँ मिलेगा अगर ये नोट्स बच्चे लाना चाहते हैं? ये ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से खरीदे जा सकते हैं, शुभ्रा रंजन के इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं और उनके इंस्टीट्यूट के पास भी मिलते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो दस्तयाब कर सकते हैं। ओके। तो मैंने इनके नोट्स पढ़े थे और ये बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा हमें इंटरनेट का भी बहुत भरपूर इस्तेमाल करना होता है क्योंकि आज की पढ़ाई ऐसी नहीं है कि बस आप चार किताबें पढ़ने, आइसोलेशन में रह के आप नहीं कर सकते, इंटरनेट है तो आप इंटरनेट में इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं, तो इंटरनेट पर भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। लाइव टीवी डिबेट्स जो होती हैं राज्यसभा टीवी वाले, जहाँ मीनिंगफुल डिबेट्स होती हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मीनिंगफुल डिबेट्स होती हैं जो किसी कानून पे या किसी दूसरी चीज़ों पे आती हैं, अर्थव्यवस्था या इकॉनमी पे आती हैं, तो ऐसे डिबेट्स भी देखा करें, तो इंटरनेट से काफ़ी हेल्प होती है। द हिंदू न्यूज़पेपर होता है, इससे काफ़ी हेल्प होती है और बस यही सोर्सेस हैं और बस वो सही माइंडसेट की ज़रूरत है और सही स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे थे हारिस जो पिछले 5-6 साल से लगे हैं और काफ़ी वक्त लगा, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो 1 या 2 अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं। जी एंड यू आर वन ऑफ देम। और मैं आपसे लास्ट में यह जानना चाह रहा हूँ कि अभी RCA के टेस्ट होने वाले हैं। जी और इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। जी हाँ। एंड दे आर क्रेजी अबाउट RCA कि RCA में किसी तरह जगह मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए आइदर UPSC और RCA मेंटेनेंस के लिए होलिस्टिकली आपके टिप्स और ट्रिक्स क्या होने चाहिए स्ट्रेटेजिकली अगर सोचा जाए प्रिपरेशन के लिए? देखिए RCA का सिलेबस और प्रीलिम्स का सिलेबस सेम ही है, तो इसके लिए कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है, लेकिन RCA में ऐसे भी लिखाए जाते हैं 2 ऐसे,
तो अगर RCA का एंट्रेंस आपको क्लियर करना है तो आपकी ऐसे राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. करेक्ट. और ये आप फिर आप जब इधर एक बार आ जाएं तो आपको अच्छा सा माहौल मिल जाएगा जो आप दूसरे लोगों के साथ भी पढ़ाई कर सकते हो. और फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन तो यहाँ पे आप एकदम मज़ेदार तरीके से कर सकते हो. ये तो मिथ्स हैं कि घंटों घंटों पढ़ना होता Correct. है कमरे में बंद, ऐसी कुछ बात नहीं. ऐसी कोई बात नहीं. आपको अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, अलग अलग स्टेट्स और प्रदेश के लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, बातचीत करनी होती है, मज़े से पढ़ाई करनी होती है, तभी आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो जाती है. अगर आप अकेले रहोगे और किसी से बात नहीं करोगे तभी सालों साल लग जाते हैं. बिल्कुल. ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि ऐसे पे आपको पूरी तरह ध्यान देना है. और सर ने आपको ये टिप्स दे दी है कि अगर इफ़ यू वांट टू कम इन RCA देन यू हैव टू फोकस GS तो अपनी जगह पे, लेकिन ऐसे पे भी फोकस करेंगे. तो वंस अगेन हारिस एंड फॉर दिस स्प्लेंडिड सक्सेस आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबादी. आप इसी तरह तरक्की करें और आगे बढ़ें, ये सब हमारी दुआएं हैं. थैंक यू. ठीक है. एंड थैंक्स वंस अगेन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.